सीडीएस का एग्जाम देने जाने से पहले जिन भी चीजों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए उन्हें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कैसे आपको एमसीक्यू सॉल्व करनी है, कौन सी ट्रिक्स का यूज करना है, कौन सी चीजें आपके दिमाग के अंदर चलनी चाहिए जब भी कोई आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कहाँ पर कैलकुलेटिव गैस आपको लेना है, कौन से क्वेश्चन बिल्कुल स्किप कर देने हैं, साथ ही साथ कितने क्वेश्चंस आपको यहां पर अटेम्प्ट करने हैं, तो जो भी जरूरी चीजें हैं, जो भी बातें इंपॉर्टेंट है सभी को आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो की एक एक लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपका सेंटर कहां पर आया है, आप कैसा फील कर रहे हैं, अभी आप एग्जाम के अंदर जाकर कैसे चीजों को अप्रोच करने वाले हैं, वही यहां पर डिफरेंस क्रिएट करेंगी कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। तो यहां पर जो आपकी अप्रोच है, जो आपका माइंडसेट है वो सही होना चाहिए, फिर रिजल्ट जो है खुद ब खुद आ जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फिलहाल आपके मन के अंदर कोई भी रिग्रेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इससे ज्यादा पढ़ सकता था या मेरा ये सिलेबस रह गया। ये आपका कॉलेज का एग्जाम नहीं है जहां पर आप 100% चीजों को हमेशा कवर कर ही पाएंगे। आपने 60-70-80% भी पढ़ाई की है लेकिन शिद्दत के साथ भी की है, तो उसके ऊपर विश्वास रखिए। अभी चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा नहीं है कि एक या दो टॉपिक आपने स्किप कर दिए हैं तो वही से क्वेश्चन बहुत सारे आ जाएंगे। इतनी ज्यादा चीजें नहीं सोचनी है, लोड नहीं लेना है, आपने एग्जाम देने जाना है बिल्कुल ओपन माइंड के साथ में। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको दोबारा से बता देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट एग्जाम फंडा हमारी एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर सीडीएस 1/2023 करंट अफेयर्स पैकेज को ओपन करना है, उसके अंदर एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट है, 9 मॉक टेस्ट है जो सभी लोगों के लिए फ्री है। उसके लिए आपको सीडीएस 1/2023 करंट अफेयर्स पैकेज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में इस फोल्डर पर जाएंगे तो 9 करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट सभी लोगों के लिए फ्री मिलेंगे, तो इन्हें प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे एग्जामिनर जो है आपको किस तरह से एग्जाम के अंदर फंसा सकता है। आपको यहां पर अटेंटिव रहना होगा। देखिए सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर काम क्या आएंगी, हमारी आंखें काम में आएंगी। हमने जिन चीजों को भी सीखा है या तो सुनकर सीखा है या देखकर सीखा है। अभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप चीजों को देखेंगे, उसके बाद में आपका दिमाग चलेगा, फिर आप यहां पर मार्क करेंगे। तो आंखों का धोखा जब हो जाता है ना तो क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं, हमारी एक्यूरेसी जो है यहां पर बिगड़ जाती है। सबसे ज्यादा बड़ा आंखों का धोखा कहां पर होता है, जब शब्दों का हेर फेर आपको देखने को मिलता है, जब शब्द आपको यहां पर समझ में नहीं आती है। जैसे मान लीजिए करेक्ट लिखा था तो यहां पर आपने इनकरेक्ट पढ़ लिया, या फिर इनकरेक्ट लिखा था तो आपने करेक्ट पढ़ लिया। किसी स्टेटमेंट के अंदर नो लिखा था लेकिन आपने उसके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं, आपने उस स्टेटमेंट को पॉजिटिव समझ लिया, उसका मतलब ही बदल गया। तो जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको अटेंटिव रहना होगा। आंखों का धोखा आपके साथ में हो सकता है, और सबसे ज्यादा आते हुए क्वेश्चन हमारे तभी गलत होते हैं जब हम सही से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, जब हम शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। मान लीजिए कोई स्टेटमेंट थी, वहां पर उन्होंने लिख दिया इन लार्ज प्रपोर्शंस, लेकिन वहां पर लार्ज नहीं स्मॉल आना था। उससे पहले वाली जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी सही थी, लेकिन एक छोटा सा शब्द उन्होंने बदल दिया, लार्ज की जगह स्मॉल कर दिया, जिसकी वजह से स्टेटमेंट का मतलब ही बदल गया। तो यहां पर फोकस आपका बना रहना चाहिए, ध्यान से पढ़ना है हर एक स्टेटमेंट को, क्योंकि इस तरह का कोई भी वर्ड आगे पीछे हो गया तो पूरे का पूरा सेंटेंस आपका बदल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए दो टर्म्स हैं आपकी, मान लीजिए एक है आपका रेपो रेट, एक आपका हो गया रिवर्स रेपो रेट। अभी एग्जाम के अंदर क्या करेंगे, रेपो रेट की डेफिनेशन दे देंगे और लास्ट में कह देंगे कि ये रिवर्स रेपो रेट है। तो अगर आपने दो चीजें पढ़ी भी थी तो वहां पर शब्दों का हेर फेर होने की वजह से आपकी आंखें जो है धोखा खा जाएंगी, क्योंकि आपने ये डेफिनेशन भी पढ़ रखी है, आपने रिवर्स रेपो रेट भी पढ़ रखा है, और मैं यहां पर इस डेफिनेशन के बाद में अगर इसे रिवर्स रेपो रेट कह दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी ऑप्शन को मार्क करने से पहले ध्यान देना है कि क्या वहां पर कोई शब्दों का हेर फेर तो नहीं है। शब्दों का हेर फेर कैसे हो सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट वाला खेल हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट हो सकती है, स्मॉल लिखना था तो लार्ज लिख सकते हैं। इसी तरह से आपके साथ में क्या हो सकता है कि कोई डेफिनेशन दे दी
और वो डेफिनेशन को रिलेट किसी और के साथ में कर दिया। अभी दोनों चीजें सही है, डेफिनेशन सही है, रिवर्स रेपो रेट भी सही है, दोनों टर्म्स आपकी एग्जिस्ट भी करती है, लेकिन ये डेफिनेशन रिवर्स रेपो रेट की नहीं थी, रेपो रेट की थी। तो इस तरह की गलतियां एग्जामिनर आपसे करवा सकता है। दूसरी चीज, यूनिट्स का ध्यान जो है खासकर रखना है फिजिक्स के न्यूमेरिकल के अंदर। देखिए, कई बार आपको किलो वॉट से वॉट में चेंज करना पड़ेगा, कई बार और से सेकंड में आपको चेंज करना पड़ेगा, कई बार ग्राम से किलोग्राम में चेंज आपको करना होगा, मीटर पर सेकंड से आपको यहां पर किलोमीटर पर आदमी आना होगा। तो कई बार यूनिट्स जो है आपके चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है यूनिट चेंज ही नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते कि आंसर कौन से यूनिट्स में पूछा गया है और क्वेश्चन में कौन से यूनिट्स वहां पर यूज हुए हैं। तो यूनिट्स का ध्यान देना है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो आपके नंबर हैं, डाटा है, डिजिट्स हैं, इस तरह की चीजें जब भी आपको देखने को मिलती हैं वहां पर थोड़ा सा सावधान हो जाइए, फटाफट से आंसर मार्क नहीं कर देना है, थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। मान लीजिए पॉलिटी का ही क्वेश्चन है, अभी बहुत जगह 1/3, 2/3 आता है, तो अगर आप जल्दबाजी करेंगे ना तो यहां पर धोखा खा जाएंगे, क्योंकि 1/3 आपका 2/3 बन सकता है, 33% आपका 66% बन सकता है। तो यहां पर थोड़ा सा अटेंटिव आपको रहना होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर तो कोई अनयूजुअल नंबर है, अनयूजुअल डाटा है, मान लीजिए जीडीपी की बात हो रही है, वहां पर कुछ 22% लिख दिया, वहां पर मान लीजिए 63% लिख दिया, तो इस तरह की स्टेटमेंट ज्यादातर सही होती है। लेकिन आपको सावधान कब रहना है, जब इस तरह का डाटा आपको देखने को मिले जो 5 या 10 का मल्टीपल है, जैसे 5% दे रखा है, 10% दे रखा है, 20% दे रखा है, तो इस तरह के नंबर जो है आपके आगे पीछे हो सकते हैं। आपको ट्रिक करने के लिए 10 की जगह 20 लिख सकते हैं, 20 की जगह 40 लिख सकते हैं। तो ये आपकी आंखों का धोखा होता है, आंखों का धोखा क्रिएट किया जाता है। बाकी सारी चीजें सही होंगी, सिर्फ नंबर 10 से 20 कर दिया, सिर्फ 1/3 से 2/3 कर दिया, बाकी सारी चीजें, बाकी सारी स्टेटमेंट सही थी। तो ध्यान में रखना, कभी भी इस तरह का डाटा है 5, 10, 20, अटेंटिव हो जाइए। कभी भी 1/3, 2/3 है तो अटेंटिव हो जाइए, आंखों का धोखा आपने नहीं खाना है। अगर कभी भी किसी चीज को किसी से मैच कर रखा है, यहां पर किसी चीज को डिफाइन कर रखा है, तो ध्यान दीजिए कि क्या जिस चीज को डिफाइन किया है और यहां पर जो टर्म दे रखी है, क्या वो दोनों सेम है या नहीं। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आंखों का धोखा आप यहां पर खा जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, नीदर वन नॉट टू, इस ऑप्शन की अगर हम बात करें, ये ऑप्शन आपका आंसर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 5% होती है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर रिस्क लेते हैं तो ध्यान में रखना, कम से कम इस ऑप्शन को मार्क मत करिए। अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो, अगर तो आपको नॉलेज है, आपने चीजों को देख लिया, समझ लिया, क्वेश्चन को समझ लिया, ये आंसर आता है तो अलग चीज है। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं, आप यहां पर रिस्क लेना चाहते हैं, तो कम से कम इस ऑप्शन के ऊपर रिस्क मत लेना, क्योंकि नीदर वन नॉट टू आपका आंसर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 5% होती है। आगे बढ़ने से पहले, बाकी इंपॉर्टेंट चीजें बताने से पहले, एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखिए, जितने भी बच्चे CDS 1 2023 के कोर्सेज के अंदर एनरोल थे गवर्नमेंट एग्जाम फंडा एप्लीकेशन में, चाहे OTA IMA का कोर्स था, चाहे आपका GS इंग्लिश का कोर्स था, यहां पर वो वैलिडिटी एक्सटेंड करवा सकते हैं अगले CDS तक, यानी 3rd of September तक, और वैलिडिटी एक्सटेंशन टाइम फ्रेम रहेगा 14th April से 17th April। यहां पर उन्हें करना क्या है, कूपन कोड यूज करना है रीन्यू प्लस, रीन्यू प्रो, और ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए कूपन कोड रहने वाला है जिन्होंने पिछली बार हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल किया था। इस डेडलाइन को मत भूलना। तो चलिए वापिस चलते हैं हमारी वीडियो के ऊपर। इसके अलावा कभी भी एग्जाम के अंदर अगर आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देखने को मिल जाए ना, तो ज़्यादातर जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आपकी होती है ना, वो गलत होती हैं, और ज़्यादातर जो आपकी प्रोबेबल स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपकी सही होती हैं। यानी कि कहीं पर भी ऑल लिखा है, एवरी लिखा है, अभी ये एक्सट्रीम पॉजिटिव स्टेटमेंट है, या इसी तरह से कोई एक्सट्रीम नेगेटिव स्टेटमेंट होती तो वो ज़्यादातर गलत होती हैं। अगर तो आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो फिर तो आप डिसाइड कर लेंगे कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। ये चीज़ें मैं आपको तब बता रहा हूँ कि जब आपको कॉमन सेंस का यूज़ करना है।
अभी कॉमन सेंस क्या कहती है, नीदर वन नॉट टू ऑप्शन सही होने की प्रोबेबिलिटी 5% है। तो अगर मुझे किसी क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है तो एटलीस्ट मैं उसे तो मार्क नहीं करूंगा, और मेरे सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है लेकिन वहां पर कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो उसे मैं सही नहीं मान सकता, उसके गलत होने के चांस ज्यादा हैं। इसी तरह से कोई प्रोबेबल स्टेटमेंट आ जाती है तो उसके ज्यादा चांसेस क्या है कि वो स्टेटमेंट आपकी यहां पर सही होगी। इसी के साथ कई बार एग्जाम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एग्जामिनर जो है एक ट्रैप क्रिएट करता है जिसमें किसी एक ऑप्शन को मार्क करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है और ऑप्शन में कोई ऐसी चीज डाल देता है जो आपके दिमाग के अंदर बहुत देर से बैठी हुई है। जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि वर्ल्ड टीचर डे जो है आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, अभी ऑप्शन के अंदर अगर मैं 5 सितंबर डाल दूंगा ना तो कम से कम 70% बच्चे यहां पर 5 सितंबर को मार्क कर देंगे बिना ये देखे, बिना ये जाने कि नेशनल टीचर्स डे की बात हो रही है या वर्ल्ड टीचर्स डे की बात हो रही है। तो यहां पर हुआ क्या कि मैंने एक ऑप्शन ऐसी डाल दी जो ऑलरेडी रिलेटेबल थी, एक ऑप्शन ऐसे डाल दी जिसकी प्रोबेबिलिटी मार्क करने की बढ़ गई। तो यहां पर एग्जामिनर इस तरह की ट्रैप भी क्रिएट करता है, तो आपको यहां पर बच के रहना होगा। ये तो बहुत छोटी छोटी बात हो गई। अभी एक चीज ध्यान में रखना, नॉलेज जो है ना हमेशा ही इसकी वेटेज कॉमन सेंस से ज्यादा होती है। तो कभी भी एग्जाम के अंदर अगर दुविधा आ जाती है कि कॉमन सेंस आपकी कह रही है कि यार इस ऑप्शन को मार्क कर देते हैं, आपकी नॉलेज कह रही है कि इस ऑप्शन को मार्क कर देते हैं, तो हमेशा अपनी नॉलेज को बैक कीजिए, कभी भी कॉमन सेंस को बैक नहीं करना है नॉलेज के ऊपर। अगर किसी स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता है, नॉलेज नहीं है, तब हमें कॉमन सेंस का यूज करना है। ऐसा नहीं है कि नॉलेज में फंस गए, कॉमन सेंस में फंस गए और हमने यहां पर कॉमन सेंस को चूज कर लिया, फिर तो कोई फायदा ही नहीं आपके पढ़ने का। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि ओपेक के हेडक्वार्टर कहां पर है तो आप कहेंगे ऑस्ट्रिया के अंदर है। अभी ओपेक के हेडक्वार्टर अगर ऑस्ट्रिया के अंदर है और कॉमन सेंस से चले तो ऑस्ट्रिया जो है ओपेक का पार्ट होना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रिया ओपेक का पार्ट नहीं है। तो ये हमें कैसे पता चला, नॉलेज से पता चला ना। यहां पर अगर कॉमन सेंस यूज करते तो कॉमन सेंस तो ये कहती कि अगर हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में है तो ओपेक का पार्ट भी होना चाहिए ऑस्ट्रिया, तो ऐसा यहां पर नहीं होता। हमेशा आपको नॉलेज को बैक करना है कॉमन सेंस के ऊपर। इसी तरह से अगर मैं बात करूं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, कॉमन सेंस क्या कहती है, इसके हेडक्वार्टर होने चाहिए शंघाई में, लेकिन इसके हेडक्वार्टर कहां पर है, बीजिंग में है। आपको कॉमन सेंस का यूज सिर्फ और सिर्फ तभी करना है जब उस चीज के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और दूसरी चीज, किसी भी क्वेश्चन को स्किप करने से पहले देख लेना है कि क्या वहां पर आपकी कॉमन सेंस अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, क्या आप कॉमन सेंस अप्लाई करके कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आपकी एक्यूरेसी जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको कैलकुलेटिव गेस कब लेना है। देखिए आपके सामने आती हैं चार ऑप्शंस। अभी चार ऑप्शंस के सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 25% होती है। अभी हमें इस तरह से चलना होता है कि अगर हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करें तो ज़्यादा नेगेटिव ना हो जाए। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है, कम से कम दो ऑप्शंस को यहाँ पर एलिमिनेट करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कॉन्फिडेंटली दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं या फिर आपको पक्का पता है कि इन दो ऑप्शंस में से ही कोई आंसर होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन ऑप्शंस के सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 50-50% हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप दो ऑप्शन में फंस चुके हैं। अभी जब आप दो ऑप्शन में फंस जाते हैं फिर आपको देखना है कि अभी दो ऑप्शन के बीच में मैं किसी ऑप्शन को अगर मार्क करने वाला हूँ तो क्या वो नॉलेज के आधार पर करने वाला हूँ, क्या मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ रखा था, क्या मैंने उस स्टेटमेंट को पढ़ रखा था और यहाँ पर आकर कन्फ्यूज़ हो गया, या फिर मैं दो ऑप्शंस के बीच में फंस गया हूं और मुझे यहां पर उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और मैं कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग यहां पर मार्क करने वाला हूं। अगर तो आप नॉलेज के अकॉर्डिंग मार्क कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि जितने भी आपके सामने क्वेश्चन आते हैं जहां पर भी आप 50-50% में फंसते हैं, नॉलेज के आधार पर वो सारे के सारे क्वेश्चन मार्क कर दीजिए।
लेकिन अगर आप दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाते हैं और दो ऑप्शंस में फंस जाते हैं और उसके बाद में डेड एंड है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता और यहां पर सिर्फ कॉमन सेंस के आधार पर आप मार्क करने वाले हैं, तो हर 10 में से 4 या 5 क्वेश्चन ही मार्क करने चाहिए। वहां पर थोड़ा सा स्मार्टली आपको चलना होगा। आप यहां पर इस तरह से नहीं कर सकते कि 30 क्वेश्चंस आपके सामने आ गए, 30 क्वेश्चंस में दो ऑप्शंस में आप फंस गए और फिर दो ऑप्शंस के बारे में आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और सभी के सभी अगर आप कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे तो वो कैलकुलेटिव गैस नहीं होगा, वो तुक्का हो जाएगा। कैलकुलेटिव गैस कब होता कि यहां पर 30 क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चंस इस तरह से थे जहां पर आप 50-50 में फंस गए, उसमें से 18-20 क्वेश्चंस इस तरह के होने चाहिए जिनमें आपने दो ऑप्शंस के बीच में किसी एक ऑप्शन को मार्क किया, लेकिन इस बेसिस पर किया कि आपकी नॉलेज कहती थी और बाकी के क्वेश्चंस को आपने इस वजह से मार्क किया क्योंकि कॉमन सेंस कहती थी। अभी ये तो हुई फायदे वाली बात, कायदे वाली बात, लेकिन अगर आप हर एक ऑप्शन को मार्क करते जाएंगे सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस के आधार पर तो नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होगी, ना कि आपको एग्जाम के अंदर फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज है जो एग्जाम के अंदर आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी आपके सामने स्टेटमेंट्स आती हैं तो ध्यान में रखना, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई एक स्टेटमेंट अगर सही हो जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरी गलत हो जाती है। कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी दो स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं, दो स्टेटमेंट्स ऑपोजिट देखने को मिलती हैं या फिर दो ऐसी स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं जो एक साथ सही नहीं हो सकती। अगर एक सही होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी गलत हो जाएगी या फिर दूसरी सही होगी तो ऑटोमेटिकली पहली गलत हो जाएगी। तो जब इस तरह की ऑप्शन देखने को मिले तो ज़्यादातर आंसर उन दोनों ऑप्शन में से ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके सामने अगर 4 ऑप्शन आती हैं, अगर आपको आंसर मालूम है तो यहाँ पर उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 100% हो गई, तो इस केस में उसे मार्क कर देना है। अभी 4 ऑप्शंस आपके सामने आई, आप यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए तो यहाँ पर इस आंसर को मार्क नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 33% है। यानी सिंपल सा केस है, आपने किसी भी क्वेश्चन को तब मार्क करना है जब आप दो ऑप्शंस में फंसते हैं और फंसने के बाद भी ये देखना है कि इन दो ऑप्शंस में से जिस ऑप्शन को आप चुनने वाले हैं क्या उसे नॉलेज के आधार पर चुनने वाले हैं या कॉमन सेंस के आधार पर चुनने वाले हैं। अगर कॉमन सेंस के आधार पर चुन रहे हैं तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉलेज के आधार पर चुन रहे हैं तो यहाँ पर उसे स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी गट फीलिंग, अपनी नॉलेज को बैक कीजिए और उसे यहाँ पर मार कर दीजिए। और कभी भी एग्जाम के अंदर ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस, कई बार हम क्वेश्चन को देख कर ना घबरा जाते हैं, हम मान लेते हैं कि ये टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं। कभी भी स्किप नहीं कर देना बिना ऑप्शंस को पढ़े, चाहे आपको वो टॉपिक आता है, क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से ज़रूर पढ़ना है, ऑप्शंस को अच्छे से ज़रूर पढ़ना है। कई बार ऑप्शंस ही हमें बता देती हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, कई बार हमारी कॉमन सेंस ही बता देगी कि हमारा आंसर क्या होगा। आपने एक बार पेपर को देख लिया, जिन क्वेश्चंस को स्किप किया है उनके ऊपर दोबारा ज़रूर आना है देखने, कई बार ऑप्शन से ही हमें पता चल जाता है, कई बार दो ऑप्शंस हम आसानी से एलिमिनेट कर पाते हैं। यानी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहली कोशिश रहनी चाहिए कि दो ऑप्शंस मैं यहां पर चुन लूं जिसमें से आंसर होगा, दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लूं, उसके बाद का खेल आपका यहां पर शुरू होता है। लेकिन वहां पर भी फोकस होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया नॉलेज और कॉमन सेंस के बीच में बंदा फंस जाता है, नॉलेज और सिक्स सेंस के बीच में बंदा फंस जाता है, नॉलेज को बैक करना है, सिक्स सेंस को उतना ज्यादा बैक नहीं करना। अगर आप सिक्स सेंस को बैक करते चले जाएंगे तो वो तुक्का हो जाता है, उसे कैलकुलेटिव गैस हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। देखिए एक चीज मान के चलना, आप जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ना, मान के चलिए कि लगभग 10% क्वेश्चन जो है एनी डे आपके गलत हो ही सकते हैं। आप जितना मर्जी ध्यान से क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए, आपकी एक्यूरेसी 90% के आसपास ही आकर अटकेगी, वो भी तब अगर आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ध्यान में रखना इतना मार्जिन लेकर चलना। यानी कि अगर 25 क्वेश्चंस आप यहां पर अटेम्प्ट करेंगे तो ना चाहते हुए भी 2-3 क्वेश्चन आपके यहां पर गलत हो ही जाएंगे। ये डाटा, ये चीज दिमाग में बिठा कर चलना, और अगर इस चीज को दिमाग के अंदर बिठा कर चले ना,
तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है जो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसी भी बच्चे को अटेम्प्ट करने चाहिए जीएस और इंग्लिश के मिलाकर, वो नंबर लगभग 160 से 170 रहना चाहिए, तब जाकर आपके चांसेस यहां पर बनते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तरफ ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जितने भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे उसके 10% क्वेश्चन आपके गलत एनी डे हो ही जाएंगे। इसी वजह से जो 50-50 वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हें मार्क करना जरूरी होता है, लेकिन कितने मार्क करने हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नॉलेज के बेसिस पर अगर मार्क कर रहे हैं तो पीछे नहीं हटना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, दो ऑप्शन में फंस गए, उनकी नॉलेज कह रही है कि ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, लेकिन वो फिर भी मार्क नहीं करते हैं, घर आकर देखते हैं कि वो आंसर सही था। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं ना, ये एग्जाम के अंदर आपको नहीं करनी है। इसके अलावा अगर आपके दिमाग के अंदर कोई भी डाउट चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, कोई भी डाउट है किसी भी तरह का है तो पूछ लीजिए, डाउट के साथ में एग्जाम देने नहीं जाना है। चलिए अभी मैं विराम लेता हूँ, एग्जाम देने जाने से पहले ऑल दी बेस्ट आप सभी को कहना चाहता हूँ, आपको कहना चाहता हूँ कि अपना बेस्ट दीजिए, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, आपको कैसे चीज़ों को अप्लाई करना है सही प्रोसेस के ऊपर फोकस रखिए, रिजल्ट आपका यहाँ पर खुद ब खुद आ जाएगा। और जिन भी बच्चों ने CDS 1 2023 के कोर्सेज में एनरोल किया था, ध्यान में रखना वैलिडिटी एक्सटेंशन टाइम फ्रेम क्या है, 14th अप्रैल से 17th अप्रैल। यहाँ पर कूपन कोड क्या रहेगा, रीन्यू प्लस रीन्यू प्रो। CDS के कोर्सेज को सिलेक्ट करना है, ज्वाइन करना है, वैलिडिटी आपकी एक्सटेंड हो जाएगी September 3rd तक। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, जय हिंद।